हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चेतना की दुनिया। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे व्लॉग में। आज व्लॉग मेरा मैं कुछ आपको डिफरेंट दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने नाश्ते में आज क्या बनाया है। आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए नाश्ता। तो मैंने ये सुबह मॉर्निंग में यहाँ पराठे बना दिए थे, साथ ही में बनाई मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी। और सबको नाश्ता करवाने के बाद, यानी कि पापा जी को देने के बाद बच्चों को, और हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद आज हम कहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम कहाँ जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते रहिए मेरे साथ। तो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मैं एक न्यू वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा मॉर्निंग में भी नाश्ते का काम हो चुका है, उसके बाद आज हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आइए हमारे साथ, चलते हैं अभी हम घर से वैक्सीनेशन के लिए। लॉकडाउन अभी लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे नहीं हैं। ज़्यादातर वही लोग निकल रहे हैं जिनके कोई रिलेटिव्स या तो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और या फिर जिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाना है वही सिर्फ घर से बाहर निकल रहे हैं, बाकी तो कोई और लोग ज़्यादा हैं नहीं। तो आप भी अपने वैक्सीनेशन के लिए ही बाहर जाएँ और ज़्यादा अभी बाहर ना निकलें, और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपना वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको क्या है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। जिनका भी नंबर आता है, जिनको भी कहीं भी स्लॉट मिल रहा है, आप ज़रूर उसको करवाइए। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं मेरे घर, यानी कि शिवाय के नानी के घर पहुँच चुके हैं हम लोग। तो वैक्सीनेशन आप लोग समझ ही गए होंगे, मेरे मम्मी और पापा का वैक्सीनेशन है आज, तो उन लोगों को हमने लेके जाना है अपने साथ। हमारी वैक्सीनेशन का अभी नहीं हुआ है। तो फाइनली अब कितने दिन बाद मैं अपने घर पर आई हूँ, और यहाँ से हम लोग सीधा अब इन लोगों को लेके वैक्सीन के लिए जाने वाले हैं, जहाँ पे इनका सेंटर मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे मैं दिखाती हूँ आपको। और वैक्सीनेशन यहाँ पे डन हो चुकी है फ्रेंड्स, देखिए। तो मैंने वहाँ भी थोड़ा सा एक वीडियो बना लिया था, और मेरे मदर और फादर दोनों को ही लग चुकी है। जो भी इस व्लॉग को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, प्लीज़ ज़रूर कराएं। और अब हम घर आ चुके हैं। ये है हमारी बैट बुलेट, जो पिटबुल है फीमेल, और जब सब जाते हैं तो ये इस तरीके से मिलने के लिए करती है, देख सकते हो। ये मिलने के लिए कर रही है मुझसे, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। आज बहुत दिन बाद, कितने दिन बाद? हाँ, डेढ़ महीने बाद आई हूँ। डेढ़ महीने बाद मिली है। हाय कर दो दादी सबको, हाय कर दो। हाय।
ये देखिए, मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा वरिड थे इंजेक्शन लगवाने के लिए। इनको ये था कि वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट ये है कि दोनों ही सेफ हैं, कुछ नहीं हुआ है। और हल्का बहुत फीवर आता है नाइट में, तो वो तो लाजमी बात है कि फीवर आएगा ही, बाकी कोई डर वाली बात नहीं होती है इसमें। और यहाँ पे हम थोड़ी सी मस्ती करने आ गए थे बुलेट के साथ अंदर। ये बुलेट के बिस्किट हैं जो वो बहुत ही मन से खाती है, और शिवाय बोल रहा था कि मैं इसको सीधा कैच करवाऊंगा, ये देखो। बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा। और ये देख रहे हैं ना आप पीछे वॉल पे जो पैचेस बनाए हुए हैं सीमेंट के, वो ये बुलेट जी ने ना सारी दांतों से खा ली है दीवार, और इसी तरीके से ही अपने नखूनों से निकालती रहती है बैठ के। तो काफ़ी बार इसको हम दोबारा कवर कर चुके हैं, वो फिर वैसा ही कर देती है, क्योंकि ये भी अभी छोटी ही है, 1 ईयर की है ओनली, तो उसको भी बच्चों के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे इसकी नज़र बिल्कुल शिवाय पे ही थी, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास इसके यहाँ पे बिस्किट हैं, ये देखो। और यहाँ डाल दिया इसने अलमारी के बीच में, ये देखो ये देखो। और बुलेट बहुत परेशान है कि मेरा बिस्किट मुझे मिल जाए बस। तो इसी तरीके से मस्ती करती है ये बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ, और अगर इसे हम खुला घर में छोड़ दें तो ये बहुत ज़्यादा भागती है। तो फ्रेंड्स, यही है आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन भी प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।